हाल ही में इजराइल और पैलेस्टाइन के अंदर जंग शुरू हुआ था, ये तो हम सभी को पता है। जिन मुद्दों को लेके शुरू हुआ था ये जंग, उनमें से ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा है जेरूसलम के ऊपर कब्जा। ये सिटी वर्ल्ड का सबसे होलियस्ट प्लेस बोल के भी जाने जाते हैं, जहाँ तीनों महान रिलीजियन जुडेज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी के सिग्निफिकेंस पाए जाते हैं। लेकिन ये तीन रिलीजन के अनुसार ये भी कहा जाता है कि हेल या नरक का एंट्रेंस भी जेरूसलम ही है। इस बिलीव को लेके 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी रिलीज हुई थी, जो आपके दिल दहला देने के लिए काफी है। इस वीडियो के जरिए मूवी के बारे में मैं डिटेल में बात करते हुए इनसे जुड़ी हुई कुछ सुनी अनसुनी बातें आपके सामने लाऊंगी। तो चलो ज्यादा बातें ना बढ़ा के सीधा मुद्दे पे आते हैं। लेकिन उससे पहले मूवी का शुरुआत होता है 1972 में होने वाली एक घटना से, जहां दो प्रीस्ट को बुलाया जाता है टू रिकॉर्ड एन एक्सोरसिज्म ऑफ एन वुमन। एक्सोरसिज्म होने के समय तीन रिलीजियन का एक्सोरसिज्म स्पेशलिस्ट वहां पे मौजूद थे, और एक्सोरसिज्म के दौरान अचानक उस औरत का डेमोन लाइक विंग्स निकल आता है और ठीक उसी टाइम उसे मार दिया जाता है। मूवी के नैरेटरों के हिसाब से दिस इज द फर्स्ट प्रूफ दैट जेरूसलम इज द गेटवे टू द हेल। अब आते हैं करंट टाइमलाइन में। दो अमेरिकन ज्यूइश दोस्त रेचल एंड सारा इजराइल के एक सिटी तेल अवीव में वैकेशन प्लान करते हैं। सारा अपने भाई के गुजर जाने की वजह से बहुत ही टूट चुकी थी, दैट्स व्हाई दे हैव प्लान्ड दिस वैकेशन टू मूव ऑन। और इस ट्रैवल में जाने के लिए सारा के फादर उसे गूगल ग्लास गिफ्ट किए थे। पूरा मूवी इसी ग्लास पीओवी के जरिए दिखाई जाती है। जिनको पता नहीं उनके लिए बोल देती हूँ, गूगल ग्लास एक टाइप ऑफ स्मार्ट ग्लास या ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले देता है, जो ऑटोमेटिकली फेस रिकॉग्नाइज करता है। खैर, वेकेशन के दौरान प्लेन में सारा और रेचल का एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट केविन के साथ मुलाकात होता है। केविन रिलीजियस माइथोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे, जिसका मानना था जिन, गोलेम, अंडेड का माइथोलॉजिकल ओरिजिन एक ही है, और इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए ही केविन जेरूसलम जा रहा है। केविन उन दोनों को इंसिस्ट करता है टू केम एट जेरूसलम विथ हिम। केविन का एक और मकसद भी था, वो जेरूसलम में योम किप्पुर मनाना चाह रहा था। ज्यूइश रिलीजन के हिसाब से योम किप्पुर होलियस्ट डे ऑफ द ईयर है, जो की गई पापों के प्रायश्चित के दिन के हिसाब से जाने जाते हैं। सारा और रेचल दोनों केविन के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। जिस होटल में वो लोग रुके थे, उस होटल के केयर टेकर उमर के साथ उनका मुलाकात होता है, जो उनके लिए ओल्ड जेरूसलम का काइंड ऑफ गाइड हो गए थे। पहले वो लोग जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, जहाँ पे ज्यूइश मन्नतें पूरी होती है। सारा अपने मरे हुए भाई को लौटाने के लिए मन्नत करती है। इसके बाद वो लोग विजिट करते हैं सोलोमन्स केव, जो सिटी के अंडरग्राउंड से होके निकलती है। केविन इस केव में कुछ ब्लैक एंजल्स का ड्राइंग देख पाते हैं। इसको लेके रिसर्च करने के लिए वो घर पे लौट आता है। रिसर्च करने के बाद केविन समझता है कि जितना जल्दी हो सके उनको उस जगह खाली करना पड़ेगा, कुछ अनहोनी सा घटने वाला है। लेकिन केविन का ऐसे बिहेव के वजह से उसे मेंटल असाइलम भेजा जाता है। केविन के फोन पे दिखाई जाती है 1972 की उसी एक्सोरसिज्म को, जो पहले ही मैंने बोला था। रात को सारा देख पाती है अचानक जेरूसलम में बॉम्ब गिरना स्टार्ट हो जाता है। लोकल मीडिया के हिसाब से दिस इज अ काइंड ऑफ टेररिस्ट अटैक, और फॉर बीइंग सेफ सबको जेरूसलम छोड़ना पड़ेगा। होटल से सभी निकलते हैं जेरूसलम को छोड़ने के लिए, लेकिन सारा केविन को लेने के लिए उसी असाइलम में पहुंचती है, एंड केविन को फ्री करने के टाइम सारा और व्यूअर्स को असली रीजन पता चलती है। एक्चुअली ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, कुछ अनजान रीजन के वजह से हेल का दरवाजा खुल गया और पूरा शहर भर गया था डेमोनिक एंटिटी के द्वारा, जो सारा को भी अटैक किया था। लेकिन लकीली केविन और सारा बच के असाइलम से भागने में सक्सेसफुल हुई थी, एंड दे जॉइन विद अदर टीम मेंबर्स। बट इस भागादौड़ी में इन लोगों ने लेट कर दी थी, जेरूसलम का हर एंट्री सील कर दिया गया था।
सिटी से बाहर निकलने का एक ही ऑप्शन था, अंडरवाटर केव के जरिए। वो लोग वही करते हैं, लेकिन सब वो डेमोनिक क्रिएचर से अटैक होने के बाद वैसे ही बन जाते हैं। सिर्फ बचते हैं सारा और केविन, लेकिन प्रॉब्लम ये था, दे डोंट नो द पाथ टू गो आउटसाइड। बट इनमें से था एक डेमोनिक एंटिटी जिसे सारा का गूगल ग्लास रिकॉग्नाइज करता है एज जोएल, मतलब सारा की मरी हुई भाई, जो उन्हें नेविगेट करता है। एट लास्ट दोनों एग्जिट गेट तक पहुंच जाते हैं और उधर ही लास्ट ट्विस्ट रिवील होता है। एक्चुअली सारा किसी डेमोन से अटैक हुई थी, जिसके घाव उसके शरीर में चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट सीन में दिखाई जाती है सारा का अभी विंग्स आ जाता है एंड वो डेमोन बनके उड़ने लगती है और जेरुसलम के आसमान ऐसे एंटिटी से भर गए थे एंड मूवी इधर ही एंड हो जाता है। अब आते हैं थियोरीज में। पूरा मूवी का कॉन्सेप्ट बेस्ड है जीविस रिलीजन लॉ बुक तालमुद के ऊपर। तालमुद के हिसाब से हेल का तीन एंट्रेंस है, जिसका एक है जेरुसलम। हिब्रू बाइबल के हिसाब से जेरुसलम में वैली ऑफ हेनम है, जहां किंग जुदा ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे और ह्यूमन सैक्रिफाइस एक रिचुअल के तौर पे किया जाता है सैटनिज्म में। ये दो कॉन्सेप्ट यूज करके ही ये मूवी बनाई गई है। मूवी में ज़ॉम्बीज़ का एक यूनिक टाइप को शो किया गया है, जो यूजुअल कॉन्सेप्ट से ज्यादा डेमोनिक है। मूवी में ज्यूइश रिलीजन का बहुत सारा रेफरेंस यूज किया गया है। योम किप्पुर बेसिकली अ डे ऑफ सैक्रिफाइस एंड कन्फेसिंग ओन सिंस। इस दिन को सेंटर में रख के पूरा मूवी बनाई गई है, जहां बोला गया है दिस डे इज अ जजमेंट डे, जहां हेल का एंट्रेंस खुल जाता है और जहां से डेमन खुद बाहर आके ह्यूमन सैक्रिफाइस करता है। ये तो था आज का मेरा जेरुसलम मूवी का एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि बहुत जनों तक मेरी ये वीडियो पहुंचे एंड वो लोग सच्चाई जान पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरा कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो को लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।